कोरोना ने लोगों की प्राथमिकता को बदल दिया है और इस दीपावली सीजन में लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ दो मशहूर बिल्डर्स मौजूद हैं, उनसे सीधे जुड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सोनी साहब आपसे ही जुड़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस दीपावली सीज़न में रियल एस्टेट में कितना बदलाव आया है और उस कोरोना का क्या कोई असर देखने को मिल रहा है इसको लेकर। देखिए, अभी जो करंट मार्केट है और मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान का जो मार्केट है, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है। रियल इस्टेट पहले काफ़ी मंदी में था और काफ़ी उतार चढ़ाव बिल्डर्स के भी लाइफ में थे, कस्टमर्स को भी ट्रस्ट इशू थे, काफ़ी चीज़ें थी मार्केट में। कोरोना के जस्ट बाद अभी आज के माहौल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, इवन पूरे हिंदुस्तान में है। आप किधर भी देखेंगे बहुत अच्छा ग्रोथ है। लोनिंग प्रक्रिया में कस्टमर्स को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, मार्केट में इन्वेंट्री की प्राइसिंग में काफ़ी इफेक्ट आ रहा है और बहुत ही अच्छा माहौल है। आज की तारीख में कस्टमर्स क्यू में हैं, अच्छी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा मार्केट आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ है, बहुत बढ़िया मार्केट। दीपावली के दौरान खास करके देखने को मिलता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं, ऑफर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। देखिए, हर ये डिपेंड करता है बिल्डर टू बिल्डर। एवरी कंपनी जो है अपने अकॉर्डिंगली, अपने मार्जिन्स के अकॉर्डिंगली ऑफर दे रही है कस्टमर को, लेकिन मार्केट में अभी पहले से पुरानी रेट्स को लेके और नई रेट्स में काफ़ी डिफरेंस है। इवन मैं कहूँगा 15% की ग्रोथ है, 15% की ऑन एवरेज जयपुर में प्रॉपर्टी मार्केट में ग्रोथ है। तो कस्टमर्स ये देख रहा है कि उसको राइट प्राइस में राइट प्रॉपर्टी मिले, काफ़ी अच्छे ऑफर्स हैं, काफ़ी अच्छा मार्केट है, प्रॉपर्टी सेगमेंट बूम पे है। स्टैम्प ड्यूटी में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प करी है, अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा सेगमेंट बना है जिस सेगमेंट में जो लोग रेंट पे रहते थे उनको भी एक उनका खुद का घर का सपना पूरा हुआ है। और दिवाली सीजन में बिल्डर के पास में अगर कोई स्टक्ड इन्वेंट्री थी या कुछ टाइम से इन्वेंट्री होल्ड थी, वो इन्वेंट्री भी मार्केट में रनिंग कंडीशंस में आ गई हैं क्योंकि प्राइसिंग में डिफरेंस आ गया है। काफ़ी अच्छा मार्केट है और ये दिवाली लास्ट टू दिवाली की तुलना में अगर कंपेयर करते हैं तो लास्ट टू दिवाली से ये दिवाली फार एंड फार बेटर है। मैं साहब, मनमोहन जी जुड़े हुए हैं। सर, आपके तो कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अभी वर्तमान समय में किस तरह के जो आवास हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मांग उठ रही है? देखिए, जहाँ तक आवास की बात करूँ मैं आपसे, अफोर्डेबल हाउसिंग में एक अलग सा ही बूम है। एक आम आदमी को अपने घर से घर में ले, इसके लिए जो सरकार ने जो सब्सिडाइज सिस्टम दिया है PMAY CLSS के अंतर्गत 2,67,000 रुपये तक की गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रहा है। और साथ ही साथ ऐसे गरीब आदमी अपने मकान के लिए ज़्यादा इच्छुक हैं क्योंकि वो किराए के घर से मुक्त होना है और किराए के घर से मुक्त होने के लिए उनको अफोर्डेबल हाउसिंग से अच्छा कोई भी साधन नहीं मिल सकता। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में एक अलग ही टाइप का बूम है जिसमें पूरे मार्केट में मैं मानता हूं कि पिछले 2 साल से ज़्यादा इस बार कम से कम 40% का रेशियो, 40% से प्लस का रेशियो अच्छा रहा है और अच्छी डिमांड रही है, जिससे वो बिल्डर को भी अच्छा सपोर्ट मिला है और बायर्स को भी अच्छा सपोर्ट मिला है। बायर्स को सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी मिला हुआ है और बिल्डर भी सपोर्ट करता है क्योंकि फेस्टिवल सीजन होता है तो वो सोचता है कि कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के हमको स्पीड में हमारा माल बिकेगा, माल बिकेगा तो माल बनेगा भी और बनेगा तो निश्चित तौर पे ग्राहक को सुविधा मिल पाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या लोग भूखंड परचेस करने में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? देखिए, ये जितना भी अगर मैं बात करूँ आपसे कि आदमी की खुद की पॉकेट के हिसाब से डिपेंड करता है कि आदमी की कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी अगर 10 लाख की है तो 10 लाख के हिसाब से बात कर रहा है और 50 लाख की है तो 50 लाख के हिसाब से बात कर रहा है। आज ऐसा नहीं है कि खाली अफोर्डेबल, मिडिल क्लास सेगमेंट भी बहुत अच्छे से अपना घर खरीदने के लिए पूर्ण रूप से जोर लगा रहा है और बहुत अच्छे ढंग से मार्केट में भी आ रहा है। उसके एक दो कारण है। कोविड ने सबसे बड़ा काम दिया कि एक तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से भी उसका एक जो है ना सिनेरियो बदला और वो सेगमेंट में वर्कआउट कर रहा है। तो जिस तरह से आप डिमांड्स की बात कर रहे हैं कि हाउसिंग सेक्टर में डिमांड अच्छी बढ़ रही है, चाहे अफोर्डेबल हाउसेस हो, चाहे विला या फिर दूसरे फ्लैट्स हों, तो क्या लगता है ये जो मांग बढ़ी है उससे क्या रेट्स में भी कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ रेट की, रेट इसकी वजह से नहीं बढ़ी है। रेट बढ़ी है मार्केट में जो सीमेंट है या फिर आपके बजरी है
या फिर आपके स्टील है, इन सब की रेट बढ़ने की वजह से वो रेट बढ़ा है। बाकी अगर बिल्डर की बात करो तो उसका प्रॉफिट रेशियो वही रख रहा है वो जो पहले था, उसमें भी कहीं ना कहीं छूट दे रहा है क्योंकि दिवाली का माहौल है, सीजन है, तो वो कहीं ना कहीं छूट दे रहा है। तो वो रेट जो बढ़ने का जो बड़ा कारण है ना, वो मार्केट की जो प्राइस इंक्रीज होने का सबसे बड़ा कारण है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हैवी हो रही है, तो निश्चित तौर पर वो अपना हमें बढ़ाएगा। कुल मिला के कोरोना काल के बाद रियल एस्टेट में दीपावली के सीज़न के दौरान एक नया बूम देखने को मिल रहा है, डिमांड बढ़ी है, इस बीच रेट्स भी बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफर्स के द्वारा जो बायर्स हैं उनको आकर्षित करने की एक कोशिश की जा रही है। जयपुर से अंकुर जाकर ईटीवी भारत।